हेलो फ्रेंड्स, पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर लेकर आया हूँ। जो किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं इंस्टॉलमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो अब उनका इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नया अपडेट आ गया है। आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आपको कब तक पैसा मिलेगा और क्या प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे किन किन किसान भाइयों के बैंक खाते में जो है वो पैसा आने वाला है, सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। आप हमारे साथ में बने रहिएगा, बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बहुत बड़ा अपडेट आ गया है और यहाँ पे ये भी कंफर्म हो गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है उसका पैसा आपको बैंक खाते में कब ट्रांसफ़र होने वाला है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे किसान भाइयों को जो 27 जुलाई 2023 को पैसा रिलीज हुआ था तो उन किसान भाइयों को नहीं मिला था, तो ऐसे में उन किसान भाइयों को भी यहाँ पर पैसा मिलेगा और उनके बैंक खाते में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो हम आज आपको इसके बारे में भी बताएंगे। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जिन किसान भाइयों की लैंड शेडिंग में प्रॉब्लम है तो उनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके बारे में भी हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। तो काफी बड़ा अपडेट जो है वो यहां पर आ चुका है और सब कुछ हम आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं, तो हमारे साथ में बने रहिएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे हैं जैसे लैंड शेडिंग है तो उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो उनको भी यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो है आपको अपना स्टेटस को चेक करना है। किसान भाइयों बहुत बड़ा अपडेट किसानों के लिए, खुशखबरी, अगर आप 15वीं इंस्टॉलमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं तो अब आपका इंतज़ार भी खत्म होने वाला है। और यहाँ पे हम आपको बता दें बहुत बड़ा अपडेट भी निकल के आ रहा है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 4000 रुपये आपको यहाँ पर मिल सकते हैं और जारी खाद के लिए भी अलग मिलेंगे। मगर उससे पहले आपको हम यहाँ पर बता दें, क्योंकि यहाँ पर अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से एक अपडेट आ गया है जिसमें आपको अपनी EKYC, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपनी EKYC हर साल करानी होगी, अन्यथा आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आपको कैसे करनी है, क्या प्रूफ है, कैसे दिखेंगे, हम आपको सब कुछ यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त लेने के लिए आपको हर साल पीएम किसान सम्मान निधि योजना में EKYC करवाना अनिवार्य है। और यहाँ पर हम आपको बड़ा अपडेट बता दें, 15वीं किस्त के साथ आपको यहाँ पर 4000 रुपये जो है वो आपके बैंक खाते में आ जाएंगे अगर आप EKYC हर साल कराते हैं। कैसे कराएंगे, कैसे चेक करेंगे, हम सब कुछ आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा। यहाँ पे बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है किसान भाइयों, अगर आप KYC नहीं कराते हैं तो आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। क्या प्रोसेस है हम आपको दिखाते हैं, तो चलो आपको हम सारा कुछ लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन किसान भाई को 14 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला हुआ है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 इंस्टॉलमेंट 27/7/2023 को इनको पैसा मिला था, जबकि इन्होंने EKYC भी कर रखी है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं EKYC स्टेटमेंट में 9 देखने को मिलेगा, ऑनलाइन शीडिंग यस है, ई और आपका आधार शीडिंग भी यस है, बट यहाँ पर आपकी EKYC 9 हो गई है। तो फटाफट से आपने अपना स्टेटस चेक नहीं कराया तो चेक कर ले, डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस डेट को मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और आप EKYC भी यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी EKYC अब 9 हो गई है। तो आपको ध्यान देना है, अपना स्टेटस को चेक कर लेना है, आपकी EKYC भी 9 हो गई होगी। अगर 9 है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक सर्वे के अनुसार मैं आपको बता दूँ, सरकार हर साल किसानों का वेरिफिकेशन करती है, जिसके रिकॉर्डिंग जो भी किसान एक्सपायर हो जाता है तो उस किसान भाई को वह पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका नाम यहां से हटा दिया जाएगा। इसी के रिकॉर्डिंग यहां पर किसानों को हर साल EKYC कराना अनिवार्य है, अन्यथा आपको यहां पर पैसा नहीं मिलेगा। चाहे आप किसान हैं या नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। जो किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पॉलिसी को फॉलो करता है तो उसी किसान को पैसा दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं, और कैसे करनी होगी, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है
तो आप अपनी ई केवाईसी पीएम पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। आधार नंबर के थ्रू मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसके थ्रू भी आप अपनी ई केवाईसी चेक कर लें और यहां पर जाकर अपनी अपडेट कर दें, अन्यथा आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। या फिर आप सीएससी सेंटर पर जाकर भी आप अपने अंगूठे के माध्यम से अपनी ई केवाईसी का प्रोसेस भी पूरा कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ, ऐसा एक किसान भाई नहीं है, बहुत से किसान भाई हैं, यानी सभी किसान भाइयों को दोबारा से ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है, अन्यथा आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का नाम जो है लाभ मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ में भी दिखा देता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भी आपको ई केवाईसी का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर हम आपको एक स्टेट चेक कर भी और दिखा देते हैं। तो आपको इसी प्रकार से स्टेट को चेक कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको यहाँ पर डाल देना है और डालने के बाद आपको कैप्चा फिल कर देना है। अगर आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और उसके बाद में यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और ये कैप्चे को आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद गेट डाटा के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं कि इन किसान भाई की जो किसान हैं जो भी लाभ ले रहे हैं उनको अब लाभ नहीं मिलेगा। 15वीं इंस्टॉलमेंट पे बड़ा अपडेट निकल कर आ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको 13 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला हुआ है और ई केवाईसी नो हो गई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं सरकार की ओर से अपडेट आ गया है कि अब सभी किसान भाइयों को दोबारा से ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है, अन्यथा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जो ले रहे हैं वो रुक जाएगा और उनको लाभ नहीं मिलेगा और आपको बाद में प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो उससे पहले आप अपनी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई केवाईसी जरूर करा लें। अगर नहीं कराते हैं तो आपको लाभ बिल्कुल भी यहां पर नहीं दिया जाएगा। मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखा दिया है। आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है या कोई परेशानी है और नहीं हो रही है तो आप हमें यहां पर कमेंट्स भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपके यहां पर हेल्प करने के लिए उपलब्ध हैं। ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो पीएम किसान योजना ग्रामीण पर जाकर संपर्क कर सकते हैं।